लड़की के इतने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और व्लॉग मैं बाहर से शुरू कर रही हूँ क्योंकि अभी हम जा रहे हैं बाहर। तो कल वाला व्लॉग तो आपने देख ही लिया कि रोका हो गया है, तो चलो ठीक है, हो गया। तो अब मैं जा रही हूँ छोटे हरिद्वार नहाने के लिए। और दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और मैं स्विमिंग की प्रैक्टिस भी भूल चुकी हूँ, तो मैंने सोचा था चलो चलते हरिद्वार नहा के आते हैं। लेकिन छोटे हरिद्वार जा रहे हैं हम, जो दिल्ली से सिर्फ 30-35 किलोमीटर दूर है, तो चलो चलते हैं। और बाकी देखो पीछे रास्ता कितना सुंदर है। वैसे मेरा ये प्लान सडनली वाला था, तो सडनली वाले प्लान जो होते हैं ना वो बहुत खूबसूरत होते हैं, ठीक इस सिग्नेचर ब्रिज की तरह। तो अभी देख रहे हो ना आपको ये कैसा दिख रहा है विदाउट लाइट। तो जब हम वापस आएंगे ना तब देखना कि जब इसमें लाइट जलेगी ना तब ये कितना ज्यादा सुंदर लगेगा। तो चलो चलते हैं छोटे हरिद्वार, और बाकी रास्ते में मैं आपको डिटेल देती रहूंगी। जैसे ही हम पहुंचे यहाँ, तो यहाँ का मतलब है ये जगह वो है जहाँ पे दिल्ली की सीमा होती है खत्म नगर निगम के लिए। मतलब इसके आगे से यूपी की बसें चालू हो जाएंगी, यूपी की गाड़ियां चलनी चालू हो जाएंगी सिवाय हमारी दिल्ली वाली स्कूटी के। तो आगे आप जितनी भी गाड़ियां देखोगे ज्यादातर यूपी की देखेंगे। आई नो आधे से ज्यादा लोग मेरे को देख के ये सोचते होंगे यार ये कहीं भी चली जाती है, कोई खाली है क्या? खाली नहीं हूं मैं, कहीं भी नहीं जाती। आपको ज्ञान दे रही हूं कि यहां देखो, यहां जाया करो, आसपास बहुत सारी जगह है। तो ऐसा मत सोचो कि मैं खाली हूं, आपके लिए काम कर रही हूं। तो देखो यहाँ से दिल्ली नहीं सॉरी हरिद्वार और रुड़की वाली बसें जा रही है ना आगे। तो बेटा मेरा बड़ा मन है क्योंकि ये वाली रोड जो जा रही है ना वो सीधा हरिद्वार की तरफ जा रही है, और आगे हरिद्वार है, मतलब जहाँ हम जा रहे हैं उससे आगे हरिद्वार है। तो मेरा हरिद्वार फाइनली हम पहुँच गए। मुझे पता ही नहीं चला मैं सिर्फ आने में लगी थी और थोड़ा ज़्यादा जगह तो पहुँच गए। तो देखो बस इस तरह को जाना हमें, इस तरह मेरी यहाँ जाना है हमें नीचे ना, वो लिखा ना छोटा हरिद्वार। देखो यहाँ पे ये इकलौता ही ढाबा है। तो पहले कुछ खाते हैं। देखो अंदर ढाबा है ना, यहीं पे कुछ खाते हैं। देखो मैं सोच रही पता नहीं क्या है ये स्टूल क्यों रखे हुए टेबल ओवर उन्होंने, बाद में पता चला कि इन्होंने टेबल के ऊपर पानी रखा हुआ है नई तरीके से, जग हटा के जग की जगह यही रख दिया। सही है, पानी गंदा नहीं होगा, जग वाला पानी ना गंदा हो जाता है और उसी को पीते रहते हैं, तो ये ढका हुआ रहेगा। ये देखो यहाँ से ऑन करो और पानी भर लो और पी लो। पाव भाजी कुछ हेरी, तो पाव भाजी खाएंगे, नहाएंगे और इसके बाद फिर भूख लगेगी, फिर से खाएंगे क्योंकि आज संडे है ना और कल से वर्कआउट चालू, कुछ उल्टा सीधा नहीं। तो चलो शुरू करते हैं पाव भाजी। मस्त मक्खन डाला है। फाइनली हम पहुंच गए अंदर, तो देखो दिखाते हो सेम हरिद्वार जैसा लगेगा आपको। देखो है ना लेकिन एक चीज का बड़ा दुख है कि मैं नहा नहीं सकती। देखो गंगा जी, देखोगे ना तो आपको मतलब मैं सामने से आपको जैसे दिखा रही हूँ ना, आप आओगे ना यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि सच्ची में आप हरिद्वार में ही आ चुके हो, तो बहुत अच्छा लगेगा। हम नहा नहीं सकते लेकिन बोटिंग करेंगे, ठीक है? मेरा नहाने का तो मन था ही, जो कि आपको दिख ही गया होगा मेरी शक्ल से। मैं सारा सामान लेके आई थी और नहीं नहा पाई, चलो ठीक है जो भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप समझ जाना। तो अचानक से ऐसा हो गया और मैं नहा नहीं पाई और सारी चीज़ें बेकार होगी। लेकिन कहते हैं ना कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, अगर आप खुशी खुशी कहीं आए हो ना, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चीज़ ख़राब हो जाए। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे कभी भी मैंने बोटिंग नहीं देखी, आज मैंने पहली बार यहाँ पे बोटिंग देखी है। तो भैया लेंगे सिर्फ 100 रुपये एक जने के, तो एक जने के 100 रुपये लेके घुमा देंगे। तो चलो यहाँ पे वैसे भी रश कम है, भैया का भी काम हो जाएगा और हम भी घूम लेंगे। तो भैया इशारे से हमें बता रहे हैं कि कहाँ तक वो लेके जाएंगे। भैया ने अपनी बोट को यहाँ पे बांध दिया ताकि हम आराम से चल पाए, और जैसी रस्सी खुलेगी फटाक से ये बोट हो जाएगी अनकंट्रोल, तो इसको पानी कंट्रोल करेगा, तो इसलिए भैया ने बांध दिया ताकि हम आराम से चढ़ जाए। ज्यादा भाव आ रहा है पीछे से, पता है मैं पूरी तैयारी के साथ आई थी, कपड़े भी लेके आई थी, लेकिन अब नहा नहीं सकती। मुझे पहले पता था जब तक मैं बोट में बैठूंगी नहीं, थोड़ा सा घूमूंगी नहीं, तब तक मेरे मुंह से आप यही सुनते रहोगे कि मैं नहा नहीं सकती, मैं नहा नहीं सकती, मैं नहा नहीं सकती। मैंने बिना टाइम वेस्ट करा फटाफट से मैं बोट में घुस गई, और बोट में घुसते ही मेरा यहाँ पे फोटो सेशन चालू हो गया। मैंने सोचा थंबनेल, तो गंगा माता को प्रणाम करना तो भूल ही गई थी, तो सबसे पहले गंगा जी को प्रणाम करा और फिर से यहाँ पे भी फोटो सेशन। नहा नहीं सकते लेकिन बोटिंग करेंगे, पहले कभी भी बोटिंग नहीं होती थी यहाँ पे, अभी मैंने पहली बार देखा कि यहाँ पे बोटिंग हो रही है। देखो वहाँ पे सारे नहा रहे, पिछली बार हम उस साइड नहाए थे, मैं यहाँ पे नहाने के लिए आई थी, इतना गुस्सा चढ़ रहा है ना मेरे को, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो है सो है, कुदरत को कोई कैसे बदल सकता है। देखो वो डाइव मारे हैं वहाँ से, वाह यार मेरा बड़ा मन कर रहा है स्विमिंग करने का,
वो देखो वहाँ स्विमिंग कर रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, अभी हमारे से मजाक करने लग गए। भैया ने एकदम से बोट खोल दी और थोड़ा सा ढील दे दिया, तो मुझे लगा भैया के बिना हम कैसे जाएंगे बोट में, लेकिन ठीक है, डर गई थी मैं थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं। फिर भैया ने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ, बस हम ही है बोट में और कोई है ही नहीं। वो देखा, मैंने कहा था ना थोड़ी देर में बोट में बैठूंगी ना, अपने आप ही ठीक हो जाऊंगी और भूल जाऊंगी, तो ठीक है वैसा ही हुआ, अपने सारे दुख दर्द भूल गई और आराम से बैठ गई नजारे लेने के लिए। तो भैया ने बोट कर दी स्टार्ट, हम ब्रिज के नीचे से नहीं जाएंगे क्योंकि उस साइड पे ना बहुत ज्यादा भाव है, तो भैया ने कहा यहीं से घुमा लेंगे। तो पिछली बार जब मैं आई थी ना, तो इस वाले घाट पे हम नहाए थे, तो पिछली बार स्नान था और बहुत ज़्यादा रश था, तो वो वाला व्लॉग भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। और जब भी मेरा पहाड़ों में और नदियों के पास जाने का मन करता है ना, तो मैं दिल्ली के पास ऐसी कुछ जगहों को ढूंढ लेती हूँ। ये बोटिंग अभी हो रही है ना, पहले नहीं होती थी ना, क्यों हम तो इतनी बार आए हैं? आठ साल तो मेरे को यार चलाके चलाके, जब हम आए थे तब बीच में ये नहीं है। ऐसे इतनी देर बात करी तो भैया ने कहा कि आओ बोट चलाना सिखाता हूँ, तो मैं बोट चलाने के लिए फटाक से बैठ गई। ऐसे मौके छोड़ने नहीं चाहिए। अचानक से क्या हुआ मेरे को समझ नहीं आया, एकदम से सामने टापू टाइप्स जो भी था सामने आ गया था, मतलब एक किनारा आ गया था और मेरे से बोट घूम ही नहीं रही थी, तो भैया भाग के आए वरना बोट हमारी टकरा जाती उसके अंदर ना। देखो इस पेड़ में सांप है, अरे हाँ ये सच्ची में दिखा सांप, कैमरे में नहीं दिख पाया क्योंकि बोट को कंट्रोल भी करना था और ज्यादा पास भी नहीं जा सकते थे, तो दो सांप बैठे। क्या नाम है? रूपेश गोस्वामी। अच्छा, माँ से सांप हो आप, सब दिखा दिया मैंने तो, बहुत ही टेढ़ी कर दी थी। बहुत ये सोच के उदास हो रही थी कि नहा नहीं पाएंगे तो करूंगी क्या यहाँ पे, लेकिन सारी चीजें प्लान पहले से होती है, ये चीज तो मैं मान। कहते हैं कि अपनी लाइफ की प्लानिंग आप खुद नहीं कर सकते, जो होना होता है ना वो होता ही है, वो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आप सबको, तो इसलिए छोड़ दो यार, सिर्फ हाथ खड़े करो और मजे करो। बोटिंग करने के बाद मैंने सोचा गंगा माता के साथ एक सेल्फी ले ली जाए, लेकिन फिर अचानक आवाज आई, तो हम जा रहे थे तो भैया ने हमें आवाज मारी कि आओ फिर से वीडियो बनाते हैं, मतलब फिर से घूमते हैं बोट में, तो एक और चक्कर लगाएंगे अब हम बोट में, तो फिर से चलते हैं। चलो भैया खुश हो गए दादा, भैया ने कहा आओ तो मैं एक चक्कर और मरवा के लाता हूँ। तो आज की ये कहानी से आपको ये सीख मिलती है कि अगर आप किसी को अच्छा व्यवहार दोगे तो वो भी आपको बदले में अच्छा व्यवहार ही देगा। मुझे बिल्कुल पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरी वीडियो देखने के बाद यहाँ पे आने का ट्राई जरूर करोगे, ट्राई नहीं करोगे तो गूगल तो जरूर करोगे। तो बाकी देखो यहाँ पे स्नान हो रहा है जो मैंने आपको दिखाया था, वो बाकी मुझे तो बड़ा मजा आया। अगर आपको ना दिल्ली से थोड़ी दूर आना है घूमने के लिए, हरिद्वार नहीं जा पाते आप, तो छोटा हरिद्वार 30-35 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, तो आप यहाँ पे भी आ सकते हो, यहाँ पे भी स्नान कर सकते हो। हरिद्वार से गंगा जी यहीं से बहती हुई आ रही है, तो हम गंगा जी में ही बोटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप बोटिंग करो ना तो भैया के पास आना। आपको कि यहाँ पे लोग क्यों नहीं आते मुझे भी नहीं पता, भैया बताए।
सही बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरे को काफी 8 साल हो चुके हैं यहाँ पे। यहाँ के लोग बारे में भाव ना रखे, यहाँ को बस छोटा हरिद्वार को बदनाम करने के लिए। यहाँ पे कोई ना ऐसे कोई लोग कहते हैं चैन खरीदते हैं या पैर बांध देते पत्थर अपने जाके नीचे, ऐसी कोई अफवाह नहीं है। खूब आइए, आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। आपको घोर सबसे रहते हैं 24 घंटे तुम्हारे जिस सेवा में। मैं नाव वाला बोल रहा हूँ, बटिंग वाला। अच्छा। नाम मुकेश गोस्वामी। और ये भैया जी नाव है। कुछ भी ऐसा नहीं होता यहाँ। बोलते हैं कि जब कोई नहा रहा होता तो नीचे से चेन से पैर बांध देते, मतलब बहुत बदनाम कर रखा है इस जगह को। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे इतनी बार नहाली, मतलब इतनी बार आके नहाली, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, मजा आता है। उल्टा ऐसा लगता है पूरी हरिद्वार वाली वाइब आती है, ऐसा लगता है कि हम हरिद्वार में ही नहा रहे। देखो बाय बाय बोलने का टाइम, तो चलो चलते हैं, अब कुछ खाते हैं और निकलते हैं वापस घर। अब फाइनली जाने का टाइम है। तो एक बार और मैं आपको बता दूं कि ये जगह है गाजियाबाद के अंदर मुराद नगर, जो कि दिल्ली से ठीक 35-30 किलोमीटर के अराउंड ही है। और यहाँ आप आसानी से 1-1.5 घंटे में पहुँच सकते हो, और फैमिली के साथ आओ और बहुत बहुत मज़ा आएगा। और आपको एक बात और बता दूं कि जो यहाँ पे गंगा नदी में पानी आता है वो सीधा हरिद्वार की हर की पौड़ी से आता है। जहाँ आप इतनी दूर जाते हो स्नान करने के लिए, वो आपके बिल्कुल पास ही है। यहाँ पे हर कोई कुल्फी खा रहा है, तो चलो कुल्फी खाते हैं। तो यहाँ पे कुल्फी फेमस है शायद। देखो हर कोई कुल्फी खा रहा है, हर कोई, ये अंकल के अलावा भी सारे कुल्फी खा रहे हैं यहाँ हर कोई। मेरी कुल्फी तो ये रही कुल्फी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है, मस्त है भाई, क्यों टेस्टी है। ये ना यहाँ पास में गांव है, तो ये प्योर दूध की बनी हुई है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और हर कोई ना यहाँ पे आपके कुल्फी घर है, सच्ची में ऐसा लग रहा है कि प्योर दूध है। तो हम जा ही रहे थे, लेकिन फिर मैंने एक शॉप पे देखा कि यहाँ पे ना फिश मसाज नहीं होती, वो होती है। हालांकि मुझे किसी ने कहा था कि शायद अनहाइजीनिक होती है, लेकिन चलो ट्राई करके देखते हैं। पता नहीं वैसे कि क्यों करती है ऐसी चीज़ें, लेकिन करनी पड़ेगी, चलो देखते हैं। तो अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो मैंने सोचा पहले थोड़ा खाली हो जाए फिर चलेंगे। और जैसे ही खाली हुआ फटाफट से मैं अंदर घुस गई, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। सच्ची बताओ तो मुझे छिपकली, कीड़े मकोड़े, इन सारी चीज़ों से बड़ी घिन सी चढ़ती है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि सामने वाले से पूछती हूँ कि कैसा लग रहा है। तो सामने एक बच्ची बैठी हुई थी और वो बड़े आराम से मसाज ले रही थी, और मुझे ही बहुत अजीब लग रहा था। तो आप देखोगे ना नीचे टैंक के अंदर मछलियाँ कैसे गोल गोल घूम रही है, बिल्कुल मतलब वो इंतजार करिए कि फटाफट से हमारा खाना आने वाला है। तो हमारे पैरों की जितनी भी वो गंदगी होती है ना, वही उनके लिए खाना है। ये देखो बेटा, इधर देखना एक बार। हाँ और क्या यार, और भी आए हैं। भाई मछली इससे ओवर नहीं होने का। भाई जोर जबरदस्ती के साथ मेरा पैर पानी में डाल दिया गया, और आप देख सकते हो कि कैसे मछलियां मेरे पैरों पे चिपक चुकी है और पूरा खाने में लगी हुई है अपना खाना। मेरी हालत ना इस टाइम समझ ही सकते हो कि इतनी सारी, मतलब इतना अजीब सा लग रहा था ना। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। तो देखो देखने में तो बहुत ज़्यादा ही अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैं अपनी आँख बंद करके बैठी थी, क्योंकि मुझे पता था मैं जितनी बार देखूंगी ना उतनी बार ही मुझे घिन चढ़ेगी और मैं पैर खींचूंगी और मछलियाँ बाहर गिर जाएंगी।
ठीक मेरे सामने छोटी सी बच्ची बैठी थी, तो सारे उसको देख रहे थे और फिर मेरी तरफ देख रहे थे, और मैंने पूरी दुकान में इतना शोर मचा दिया था ना कि आप सोच भी नहीं सकते। और इस टाइम मेरे पैरों में ना इतनी हलचल वाइब्रेशन सी हो रही है ना, मतलब इतना, पहले तो घिन सी चढ़ रही थी और अब इतना ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही हो रहा है। बाकी आप दोनों जगह डिफरेंस देख सकते हो, एक जगह कितनी शांति है और एक जगह कितनी अशांत लड़की बैठी है। मैं नीचे देखियो, नीचे तो देख। तो यहाँ पे बार बार मुझे ये दिखाया जा रहा है कि देख छोटी सी बच्ची, छोटी सी बच्ची, छोटी सी बच्ची। ठीक है भाई, छोटी सी बच्ची बैठी है तो मैं भी तो किसी की बच्ची हूँ। जैसे जैसे आपके पैर क्लीन होने लग जाएंगे, ये मछलियाँ धीरे धीरे पैरों से हटना शुरू कर देंगी। तो आप देख सकते हो कि आधी मछलियाँ हटनी शुरू हो चुकी है। बड़ा अजीब लग रहा है भाई, वो छोटी बच्ची नहीं डर रही है, मुझे डर लग रहा है सबसे ज्यादा। अजीब सा है, मैं तो नीचे देख ही नहीं रही हूँ हल्का सा भी। अगर मैं नीचे देखा ना तो मैं पैर निकाल दूंगी। यहाँ मुझे डर लग रहा है और यहाँ पे सारे आके अपना प्रदर्शन कर रहे हैं कि देखो भाई हम तो डरते नहीं और तू ही पूरी दुकान में सबसे डरपोक है। हाँ ठीक है भाई, मैं डरपोक हूँ। बहन कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, देखो कुछ भी तो नहीं हो रहा। बाय बाय। इसके अंदर डॉक्टर फिश है, तो मैंने बताना ऐसी कौन सी फिश होती है। देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लेना और मुझे बताना कि ये सच है। अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, इतना अजीब लग रहा था, मैं बिल्कुल रिलैक्स होके बैठी हूँ। देखो बाहर निकलने के बाद मैंने सोचा चलो यार सारे कर रहे थे, थोड़ा टशन मारे थे, मैं भी मारूं। तो टशन मारते मारते कुछ ऐसा हो रहा था, आप देख सकते हो कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, वही हाल है सेम। इतनी देर मछलियों के साथ बिताने के बाद टाइम, मैं अभी भी इनको अपना दोस्त नहीं बना पाई, तो अभी भी ये मेरी मैल खाने में लगी है। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतनी काफ़ी है। बहनों छोड़ दो, अब छोड़ दो, घर जाने दो दीदी को। चलो चलो बाय बाय बोलते हैं, हाथ हटाओ, छोड़ दो दीदी को। छोड़ ही नहीं दिया यार, प्यार हो गया इनको लगता है मुझसे। पैर चमक गए पूरी तरह से। तो इसी के साथ सारा एडवेंचर होता है खत्म, तो चलो वापस चलते हैं। और बाकी अगर आपको ये वाला एडवेंचर मेरी तरह करने का शौक हो ना, तो जहाँ पे हम आए ना छोटे विकास, तो वहीं पे ढाबे के सामने ही शॉप है, तो आप वहाँ पे आके ये एडवेंचर कर सकते हो। और दुनिया में ज्ञान बांटने के बाद हम निकल चुके हैं घर की तरफ, क्योंकि आज के लिए इतना ज्ञान काफी है और मेरे अंदर का तो सारा खत्म हो गया। वैसे मेरे अंदर इतना था भी नहीं। तो अब बाकी मैंने बोला था ना सिग्नेचर ब्रिज की लाइट, तो देखो कितनी सुंदर लग रही है ना। तो अभी ये बहुत कम जल रही है, वैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट जलती है, तो अभी थोड़ी सी जल रही है, लेकिन ठीक है, बहुत सुंदर लग रहा है। घर पहुंच चुकी हूँ मैं और मुझे पता है इतनी ज्यादा नींद आ रही है ना, मतलब ऐसा लग रहा है मेरे को स्कूटी चला ही नहीं जा रही थी मुझसे, मेरे को ऐसा लग रहा था इतनी रिलैक्स हो चुकी हूँ मैं। अब मुझे नहीं पता कि ये उस मसाज लेने की वजह से हुआ है या फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ इस वजह से हुआ है। ओके, तो घर पहुँचने के बाद पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया और पिज़्ज़ा आ भी गया है। तो एक से पिज़्ज़ा आया और सब फूस भी चुके। अगर मैं टाइमर लगाती ना तो टाइमर के हिसाब से 3 मिनट में इन्होंने सब लपेट दिया। तो एक चीज़ और आ गई है, तो वैसे मैंने अपने लिए मंगवाई थी लेकिन खा लेंगे, शेयर करके खा लेंगे ये हम सारे। तो ये मीठी चीज़ है क्या? क्या किसकी? क्या आप मुझे उधर जाके बैठ तो मैंने बनाया वॉफल्स। अरे रुक जाओ, वॉफल्स देखो मंगाए हैं। तो ये सारे अलग अलग फ्लेवर के वॉफल्स हैं और ये इतने सारे लोग हैं, तो ये सब देखो शक्ल, सबकी शक्ल देखो, किसकी देखो। ऐसा करते हैं पहले एक एक निकालते हैं और सब ये ले। चकुला देखो भाई कितने मस्त लग रहे हैं ना जी। वो वॉफल खाते हुए मीठे के साथ दिन को एंड करते हैं और आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और ये वॉफल तो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, तो मैं रुक नहीं सकती, तो इस व्लॉग को ये भी करियो एंड। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।